सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो फिर देर ना करते हुए चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम बनाएंगे बाटी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप गेहूं का आटा ले लिया है। जो गेहूं का आटा हम लेंगे, थोड़ा सा मोटा वाला आटा पिसा हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। और यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, खाने वाला मीठा सोडा जो हमारे घर में हमेशा मिलता ही है, वो 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे। और 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी आज की रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अब इन सारी चीज़ों को हाथ से इस तरह से आप मिलाइए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जो घी है आटे में पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप जब लड्डू बनाएं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसे चेक करेंगे। जब इस तरह से हाथों से इसके लड्डू बनाएं, वो बन जाए, मतलब हमारा आटा प्रॉपरली सेट है। अगर ऐसे लड्डू ना बने तो थोड़ा सा घी और डाल के आप इसे सेट कर लीजिए। अब उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे फ्रेंड्स। हमें जो आटा लगाना है सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना। हम जो आटा लगाकर तैयार करेंगे वो सख्त होना चाहिए। तो पानी की मात्रा हम थोड़ी कम इस्तेमाल करेंगे और इसे मसलेंगे थोड़ा ज़्यादा। तो ये देखिए, काफ़ी सख्त सा आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। इसे गूंथने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ये इस तरह से सेट हो जाएगा तो इसके ऊपर पानी के कुछ छींटे लगाकर हम इसे कवर कर कर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये फूल जाएगा और सेट हो जाएगा। 10 से 12 मिनट के बाद हम फिर से इसे ओपन करेंगे और हल्का सा हाथों से फिर से इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं छोटी छोटी सी। जितनी हम रोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी छोटी, मतलब जो नींबू होता है ना उसके आकार से थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बनाएंगे तो भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए, नींबू से थोड़ी सी बड़ी लोइयाँ मैंने इसकी तोड़ ली। अब एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरह से लोई को प्रेस करते हुए सेट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से आपको प्रेस करते हुए सेट करना है। जो लोई है हमें उसे अच्छा चिकना कर देना है। आप इस तरह से बनाएंगे तो ही हमारी जो बाटी है बिल्कुल प्रॉपरली बनकर सेट होगी। पहले आप 1 से 2 मिनट के लिए इसे मसल कर चिकना कर लें, उसके बाद फिर हम इसे हाथों से इसका गोल गोल लड्डू बनाएंगे। इसमें जो क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैक्स इस लड्डू में ज़रूर आएंगे ही, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने इसके लड्डू बना लिए। जब आप इसके लड्डू बना रहे होंगे तो इसे आप प्लेट में रखते जाइएगा, पर साथ में उसे कपड़े से कवर भी करते रहिएगा। अगर आप उसे कवर नहीं करेंगे तो ये सारे लड्डू ऊपर से सूखने लगेंगे। घी डाल दिया, 1/2 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और सारी बाटी जो हमने बनाकर तैयार की थी उसे हल्का सा हाथों से रोल कर कर अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये एक ट्रिक है। आज की जो हम बाटी बना रहे हैं वो कुकर में बना रहे हैं। कुकर घर में सभी के पास अवेलेबल होता ही है, तो उससे एकदम परफेक्ट बाटी कैसे बनाई जाए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले बाटी को इस तरह से हम किसी भी पैन में डालकर हल्का सा चारों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, हमको इनको चम्मच से नहीं चलाना है, इस तरह से आप टॉस करते हुए इन्हें क्रिस्पी कर लीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखिए। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से टॉस करते हुए हम इनका कलर चेंज कर लेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स। आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बाटी आपकी बनकर तैयार होगी। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, बाटी का कलर भी अच्छा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर थोड़ी बड़ी साइज़ का कुकर मैंने लिया है। उसमें मैं डालूँगी ये स्टैंड। स्टैंड के ऊपर आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं, ये देखिए कोई भी प्लेट इसके ऊपर आ सकती है। ये प्लेट थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, कुकर के अंदर नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने केक वाला मोल्ड ही ले लिया है। कोई भी बर्तन जो कुकर के अंदर आ जाए, आप वो बर्तन के ऊपर सारी बाटी जो हमने हल्की सी क्रिस्पी फ्राई कर ली थी वो सब रख दीजिए इस तरह से। और बड़ी सावधानी से अभी कुकर हम अंदर रख देंगे। कुकर का जो ढक्कन है हमको उसकी विसल और उसका जो रबड़ है दोनों निकाल देना है। ये देखिए, इसकी विसल निकाल दी, रबड़ भी निकाल दिया।
अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पर बड़ी सावधानी से हम इस कुकर को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप किसी भी चिमटे या पकड़ की हेल्प से इसे बाहर निकालिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट बाटी हमारी बनी है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और प्रॉपरली कुक है। अब हम इसे राजस्थानी स्टाइल में सर्व करेंगे। तो बाटी को हम डुबोएंगे घी में, डुबकी मरवाएंगे स्विमिंग पूल में और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपरली आप घी में इसे डिप कर लीजिए, जो बाटी है वो घी को अब्सॉर्ब कर लेगी और फिर उसके बाद जैसे मैं कैसे चम्मच से बाहर निकाल रही हूँ इसे हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि बाटी हमारी कितनी परफेक्ट बनी है। तो देखा आप सभी ने, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक क्लिक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करते ही बाजू में बेल आइकन आएगी, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके। तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।